आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है और आप तस्वीर देख रहे होंगे, मिलर हाई स्कूल का है जहां पे सैकड़ों छात्र जो है वो यहां मौजूद हैं। और आपको बता दें कि टोटल लगभग 16 लाख से भी ऊपर छात्र जो हैं वो मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं। तो इस वक्त ये मिलर हाई स्कूल की तस्वीर है जहाँ लोग बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में एडमिट कार्ड है। आइए हम कुछ बच्चों से जानते हैं। बाबू, कोरोना काल में क्या पढ़ाई पूरी हो पाई थी? नहीं पूरी हुई है, एग्जाम देने आए हैं। पढ़ाई पूरी हुई थी? पढ़ाई पूरी नहीं हुआ। एग्जाम कैसा जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं? अब देखिए क्या होता है, पढ़ल तनी मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे। एग्जाम होना चाहिए था कोरोना में? ऐसे नहीं होना चाहिए था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना में हम लोग का पढ़ाई हुआ नहीं है। अब हम लोग जानते नहीं पास होंगे कि क्या होगा, पूरा तो पढ़ाई हुआ नहीं। कोरोना में बंद हो गया स्कूल, लेकिन जो अथी मतलब जो अथी होना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि हम बहुत ही मुश्किल से परीक्षा देने आए हैं। बाबू, परीक्षा पढ़ाई पूरी हो पाई है? नहीं, अभी नहीं पढ़ पाए। आप मास्क भी नहीं लगाए हैं तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे ये लोग? जाने अभी खोज रहे हैं, रोल नंबर खोज रहे हैं। तो क्या कोरोना में एग्जाम होना चाहिए था? नहीं होना तो नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल कुमार भाई, क्या नाम है भाई, क्या नाम है आपका? रंजीत नाम। रंजीत नाम है। पढ़ाई पूरी हो पाई है? नहीं, अच्छा से नहीं, नहीं हो पाया है। एग्जाम लेना चाहिए था कोरोना में? कोरोना में एग्जाम लेना चाहिए था। आइए हम कुछ और बच्चे से जानते हैं। बाबू, आप मैट्रिक का परीक्षा देने आए हैं, क्या नाम है? हिमांशु कुमार। पढ़ाई पूरी हो गया है? पूरी तो नहीं हो गई, लॉकडाउन है, लग गया है कोरोना था। अच्छा। पूरी पढ़ाई नहीं हो पाया है तो उसी में आप। कोरोना में एग्जाम होना चाहिए था? तो कुछ बच्चे जो हैं वो हैं कि वो अपने अभी रोल नंबर अपना ढूंढ रहे हैं, तो अभी का अनकंफर्टेबल अभी है। लेकिन कुछ और बच्चे हैं, आइए हम इधर ही कुछ बच्चे लोग से जानेंगे कि जो एग्ज़ाम है, आप जो पढ़ाई करके पूरी करके आए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे? तो कुछ बच्चे यहाँ भी हैं, हम इन लोग से भी जानेंगे। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, दीपक बताइए कि क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो पाई है? पूरी तो नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि पास कर जाएंगे? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से भी। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद आकिब हैदर। अच्छा, पढ़ाई पूरी हो पाई है? पूरी तो नहीं हो पाई है। एग्जाम होने चाहिए थे कोरोना में? कोरोना में तो नहीं होने चाहिए थे। नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, कुछ और बच्चे एग्जाम में नहीं आए हैं? हाँ है। क्या नाम है? मोहम्मद सलाम। अच्छा, उम्मीद है कि पास कर जाएंगे? लगता तो है कि पास कर जाएंगे। पास कर जाएंगे, कोई डर ऐसा नहीं है? नहीं मैम, डर किस बात का रहेगा, पढ़ाई पूरी हो पाई? जी हाँ, जी हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। चलिए, और बच्चे हैं, कुछ और बच्चे से जानेंगे। भाई, क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार, हाँ। मनीष जी बताइए, पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं हुई है पढ़ाई। नहीं पूरी हो पाई है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि पास करेंगे? हाँ, कर जाएंगे। कर जाएंगे, चलिए, गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि साल भर से सभी स्कूल और कॉलेज थे वो बंद पड़े थे। अब ऐसे में बिहार बोर्ड के तरफ से अब ये आदेश के बाद अब मैट्रिक के एग्ज़ाम भी आज से शुरू हो गए हैं। पिछली दफ़े इंटर की परीक्षाएँ चल रही थी, वो भी पूरी हो गई है, लेकिन जो बच्चे में कॉन्फिडेंस देखना चाहिए था वो कहीं ना कहीं है, वो ढीली दिख रही है। क्योंकि बच्चे का कहना है कि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, जो भी हम पढ़े हैं सिर्फ स्टडी करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने आए हैं। अब इसमें बिहार सरकार को भी ठोस कदम कोई ऐसा उठाना चाहिए ताकि ये भविष्य का सवाल है बच्चों का। अब इस बार लेकिन कुछ अलग ही व्यवस्थाएँ हैं क्योंकि कोरोना काल में जो है वो बिना मास्क और सैनिटाइज़र का अंदर में प्रवेश करना वर्जित है, और साथ ही साथ पहले जो जूता और मोज़े पहन करके बच्चों को नहीं जाने दिया जाता था, अब वो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल एग्जाम जाकर के दे सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जो ज्यादा संख्या बच्चों के छात्रों की जो दिखाई दे रही है वो पास करें ताकि आगे का भविष्य है वो सफल बनाए। वो इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।